पहली बात तो यह है जी कि मैं तो आया था, मैंने अदालत ने मुझे 2 लाख रुपए श्योरिटी के ऊपर चाइना जाने की इजाज़त दी थी और कहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब फैसिलिटेट करें, तो वो अटॉर्नी जनरल साहब तो हमें मिले ही नहीं, और बल्कि उन्होंने कहा कि कोर्ट्स ऑर्डर को छोड़ें, अदालतों के ऑर्डरों के ऊपर ना जाया करें, आप आराम से एयरपोर्ट जाने की जहमत ना करें। तो उस पैगाम के बाद हमने कहा चीफ जस्टिस साहब को बता दें कि सर ये हालात हैं अदालतों के, तो आप मेहरबानी करें हमारी श्योरिटी डिस्चार्ज कर दें, वो हमें वापस कर दें, और उसके लिए एप्लीकेशन देनी थी, वो एप्लीकेशन दी। तो फिर डॉक्टर आरिफ अली साहब जो हैं उनके साथ ज़रा बात हुई थी, वो आ गए थे, तो उनके साथ ज़रा गपशप थी कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और पाकिस्तान के अमूमी हालात के ऊपर बातचीत हुई है, जो ज़ाहिर है कि बड़ी फ़िक्रमंद हैं हम। अगर आप देखिए कि इस वक्त जो हालात हैं, माइनस इमरान खान और माइनस PTI करने के ऊपर जो 2 साल से ज़ोर लगाया गया है, उसके नतीजे में PTI भी माइनस नहीं हो रही, इमरान खान तो और तगड़े हो गए हैं, आज इमरान खान का कद बहुत बड़ा है, 2022 से देखें और आज देखें तो इमरान खान का कद बहुत बड़ा है। अब इस वक्त अगर इससे ज़्यादा कोरिजन अप्लाई की जाती है तो ख़तरा ये है कि हम जो पंजाब है वो शिद्दत पसंदों के हवाले कर देंगे अगर माइनस करेंगे PTI, और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान नेशनलिस्ट अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो हैं उनके हवाले हो जाएगा, मुल्क नहीं चल सकते। जिस तरह से आपने डी चौक में देखा चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पुतले के ऊपर जो है वो गोली का निशान बना के कहा गया जी इनको ये जो है गोली मारनी है, आप कह रहे हैं कि ये इसके ऊपर इतनी बाउंटी लगा दें सर के ऊपर, अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के का ये हाल है मुल्क में, तो मुझे आप बताएं बाकी कोई आम शहरी जो है वो क्या सोचेगा, क्या समझेगा। ये जो रवैये हैं इसके ऊपर बहुत तशवीश है, और शिद्दत पसंदी में जो इजाफा हुआ है उसके ऊपर बहुत तशवीश है, और PTI को माइनस करने की एफ़र्ट्स की वजह से पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी जो है उसको एक नया सियासी कुव्वत मिल रही है। इस पर हर पाकिस्तानी को फ़िक्र होनी चाहिए, और मेरी नज़र में अब भी पाकिस्तान के पास एक ही हल है कि हम सारे मिल के बैठें, एक कौमी हुकूमत की तश्कील होनी चाहिए, कौमी हुकूमत में इमरान खान, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म का कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेट करें, जो नई आईनी जो इलेक्शन कमीशन है उसको एक तो तरतीब दे, असरनो तश्कील करे इलेक्शन कमीशन की, उसके बाद जो आईनी तरामीम चाहिए खसूसन ये कि पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन ना हो, अपने सियासी मुखालिफों के ख़िलाफ़ जाली मुकदमे ना हो, उसके लिए एक प्रोसिक्यूटर जनरल का ऑफिस बनाया जाए जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी के मातहत ना हो, और उसके बाद नए इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए जिसके नतायज जो हैं वो सारे कबूल करें। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई और हल नहीं है, कौमी हुकूमत ही वो वाहिद तरीका है, और एक कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए होगा जिसके नतीजे में सियासी जमातों के दरमियान ताल्लुकात कार को बेहतर कर होना ज़रूरी है, एक मुफामती अमल होना ज़रूरी है, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ एक मुफामती अमल ज़रूरी है, एस्टैब्लिशमेंट का सियासी जमातों की तरफ एक मुफामती अमल होना ज़रूरी है। ये वो वाहिद तरीका है जिससे पाकिस्तान को हम स्टेबलाइज कर सकते हैं। IMF में आपको पता है कि अगस्त में हमारा पैसा रिलीज़ होना था, वो पैसा रिलीज़ नहीं हुआ, सेप्टेम्बर में चला गया है। कौमी हुकूमत बनेगी वो IMF के भी सारे जो शरायत हैं उसको साइन ऑफ कर लेगी, और पाकिस्तान को एक मईशत की स्टेबिलिटी जो है वो मिलेगी। सर फाजल साहब ये बताइएगा कि आप PTI में एक सियासी पिलर के तौर पे एक स्ट्रॉन्ग जो है रहनुमा के तौर पे अपनी इस फरज अंजाम दे चुके हैं, ये बताइएगा कि नून लीग की तरफ से मौक़िफ अपनाया जा रहा है कि एक जो है चेयरमैन साहब जो है गिरफ्तार हो चुके हैं और डिप्टी चेयरमैन जो अडियाला में इस वक्त कैद हैं, तो आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए गिरफ्तारियों से क्या फ़र्क पड़ता है, गिरफ्तारियों से इमरान खान को आज गिरफ्तार है, साल हो गया, इमरान खान की सियासत को क्या फ़र्क पड़ा? नून लीग में या पीपल्स पार्टी में तो देखना ये है, वो इस वक्त वो पार्टियाँ जिंदा सियासी लाशें बन चुकी हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ सियासत कर रही थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग तो वो सियासी लाशें हैं जिनको उठा के एस्टैब्लिशमेंट कभी इधर फिर रही है कभी उधर फिर रही है, इसका तो उन्हें टका फ़ायदा नहीं हो रहा। नून लीग की और पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत तबाह हो गई है इमरान खान को तबाह करने के चक्कर में। पाकिस्तान को नॉर्मलाइज़ करें तो भी इन सियासी जमातों को भी फ़ायदा है,
पाकिस्तान का नॉर्मल होना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के अवाम के लिए। सर क्या वाकई फैज हमीद चला रहे थे पीटीआई को? नूली की तरफ से मौके पर फैज हमीद चला रहे थे पीटीआई को, तो क्या वाकई फैज हमीद चलाते रहे माजी में? सर नूली की तरफ से मौके था कि पीटीआई को जो चलाने वाले हैं वो फैज हमीद थे, क्या वाकई फैज हमीद पीटीआई चला रहे थे? पाशा साहब चला रहे थे, फिर नेहरुल इस्लाम साहब चला रहे थे, फिर फैज साहब चला रहे थे, पीटीआई तो चली जा रही है बल्कि दौड़ी जा रही है। पूरी मशीनरी काम कर रही है, पूरी मशीनरी काम कर रही है, ये एक आदमी अंदर है तो उसको आवाम का कोई काम नहीं हो रहा और उस पर इतना पूरी मशीनरी लगी हुई है काम कर। अच्छा लीगल एक्सपेक्ट भी बताइए, फैशन वार्डर समेत दूसरे लोग ये बात कर रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं जनरल फैज हमीद हों या फिर अभी सुप्रीम अटाला जेल, इसके बाद जिस तरह हमने बात की कि माइनस इमरान खान की तरफ बात, ये आखिरी स्टेज है और इसके बाद अगला मरहला जो होगा खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा, आप इसके ऊपर क्या राय देंगे? क्या फर्क पड़ेगा? ये जो भी जज हैं ये क्या आज़ाद हैं बेचारे? मिलिट्री ट्रायल का क्या मतलब है कि मेजर कर्नल ट्रायल करेंगे तो जो अब जज बैठा हुआ बेचारा नासर ये कौन है? वैसे ही है ना सारे, क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा फवाद चौधरी साहब ये बताइएगा कि आपने कई मरतबा कहा है कि ग्रैंड अलायंस में अगर मौलाना फजल रहमान नहीं होगा तो ये हुकूमत को टफ टाइम कोई नहीं देगा। कल मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मैं अपनी अलग तहरीक कहूँगा, ग्रैंड अलायंस का मैं हिस्सा नहीं बनने जा रहा। देखिए अपोजिशन पार्टीज़ को नुकसान हो रहा है अलहदा अलहदा करने से, आपने देखा जमात इस्लामी ने धरना किया उनको कितना नुकसान हुआ उस करने का। मौलाना फजल रहमान को भी इस वक्त पीटीआई की ज़रूरत है, पीटीआई को मौलाना फजल रहमान की और पीर पगाड़ा साहब की और हाफिज़ नईम साहब की ज़रूरत है, क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप में उस तरह से आवाम को मोटिवेट करने वाले नहीं हैं लोग। पीटीआई की भी इतिहाद ज़रूरत है और बाकी पार्टीज़ की पीटीआई ज़रूरत है। अल्टीमेटली 24 को मेरे ख्याल एक मीटिंग और है तो इंशाल्लाह अलायंस के बगैर मेरा नहीं ख्याल की कोई चैलेंज नहीं। आपको जलसे में आने का ये नहीं चाह रहे इतिहाद तो ज़रूरी है ना।